हुई जो जो कमेटी बनाई गई थी बेंचेस तश्कील करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो कमेटी में फिर हमें इतला मिली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस कमेटी में नहीं बैठे और दोबारा से टू मेंबर कमेटी ने ही आज का बेंच तश्कील किया है। वो पांच मेंबर बेंच बैठा, अजीबो गरीब चीज मैंने पहली बार अपनी प्रैक्टिस में देखी और वो ये थी कि एक सिटिंग जज जस्टिस मुनीब अख्तर, जो ऑथर जज हैं जिन्होंने जजमेंट लिखी थी, जिस जजमेंट का रिव्यू हो रहा था, वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने बेंच, लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, यानी कि ऑथर जज के बगैर वो रिव्यू की प्रोसीडिंग शुरू हुई। जब अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो मैंने उठ के एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरी नज़र में ये जो बेंच है, जब तक के वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी, गैर, मेरी नज़र में ये मेरा नुक्ता है, वो कोई भी फैसला जो है वो ये नहीं कर सकती इस रिव्यू के बारे में ये वाला बेंच, जब तक के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो बेंच, जो कमेटी का हिस्सा हैं, जब तक वो कमेटी में नहीं बैठेंगे और कमेटी नया बेंच नहीं बनाएगी, इस बेंच में वो ताकत नहीं, वो कानूनी ताकत नहीं कि वो किसी किस्म का फैसला दे सकते हैं कि एक बेंच जो है जो रिव्यू सुन रहा है वो ऑथर जज के बगैर सुन नहीं सकता। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने खत में भी लिखा है और वो आज भी इसीलिए शायद ना बैठे हों इस बेंच में। तो ये सारे मामलात हैं जिसे मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में आइनी क्राइसिस तो है लेकिन अब एक जुडिशियल क्राइसिस भी पैदा हो गया है और ये ऐसा सीरियस जुडिशियल क्राइसिस है कि ये पूरे मुल्क को, पूरी जमहूरियत को, पूरे आइन को और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन जिसके सामने हम खड़े हैं उसको भी हिला सकता है और गिरा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि कल आप सुने बहस, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जज साहिबान उस बहस के बाद इस बेंच को ख़त्म कर देंगे और जो आईन और कानून के मुताबिक है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को चलना चाहिए उसके मुताबिक फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस में। एक आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि मुझे एक और बहुत बड़ी परेशानी हुई ज़ाती तौर पर, और वो परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, यानी जो वकला का सबसे बड़ा एसोसिएशन है, उनका काम बेसिकली ये होता है कि वो वकीलों के फलाह बहबूद के लिए खड़े हों, जमहूरियत के असूलों के लिए खड़े हों, आइन के लिए खड़े हों। ये केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिव्यू फाइल किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब लोटाक्रेसी, हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन और जो रिश्वतखोरी है हमारे पार्लियामेंट के सिस्टम में वापस लेके आए और वोट्स करने दें जिन लोगों ने अपनी पार्टीज को अपना ज़मीर बेच के, पैसे लेके वोट्स बेचे हैं, उनको वोट करने की इजाज़त दी जाए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मामले से क्या ताल्लुक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती, सियासी जमात होती, वो रिव्यू फाइल करते तो शायद समझ आती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस रिव्यू से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी बहरहाल कल सुबह बहस में आप सुनेंगे अगर हमें मौका मिला बहस करने का। देखें, इसका, इस सारे क्राइसिस का एक हल है और वो हल मंतक के ऊपर बेस्ड है, वो हल एक तरह से प्रूडेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, यानी कि आप दूरंदेशी से सोच के, एक सोच समझ के एक एक्शन लेते हैं और उसका हल ढूंढते हैं। तो इसका हल बड़ा सिंपल है और पहले सुप्रीम कोर्ट, पहला जो क्राइसिस था जो सजाद अली शाह के ज़माने में, जज साहब के ज़माने में हुआ था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कुछ खुशसलूबी से
उसको रिजॉल्व किया, और वो उसको सुलभी का तरीका क्या था, वो कुछ सुलभी का तरीका उसको सॉल्व करने का, उसका हल ढूंढने का ये था कि पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा और उन्होंने कहा ये हमारे सामने मसले हैं, ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं, ये एक क्राइसिस बन गया है, इससे पहले कि इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचे आए बैठ के हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट की जो मेरी सजेशन है कि फुल कोर्ट बैठ के ये सारे फैसले करे, वो मैं कल भी दूंगा और मैंने पहले भी दिया है, कल गुजरी हुई कल को भी दिया है, आज भी मैं दे रहा हूँ और ये मैं देता रहूँगा क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका हमने हल ढूंढना है क्योंकि कौम का भी यही रिक्वेस्ट है और कौम के लिए फ़ायदा भी इसी में है। ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का इस तमाम मामले में? आपको लगता है कि अगर ये 63A का जो फैसला ख़त्म होता है तो फिर पीटीआई के अरकान को तोड़कर दो तहाई अक्सरियत पूरी करके काजी फाजीसा को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकेगा? और क्या इसमें कोई एतराज़ है आपको काजी फाजीसा के बेंच पर मौजूदगी पर? देखें 63A का आपने बात की और आपने एक बहुत अहम अल्फाज लफ्ज इस्तेमाल किए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ का फैसला करने जा रहे हैं वो आपको फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि उस फैसले से या उस फैसले का जो भी नतीजा होता है उससे आपको नुकसान या फ़ायदा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आसान अल्फाज में। मैं जो बहस करूंगा कल और जो मैं पॉइंट्स रेज करूंगा वो कानून, आईन और मंतक पे बेस्ड होंगे, वो किसी पर्सनल किसी स्पेशल जज के या कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल कानूनी नुकात होंगे और मुझे यकीन है कि वो जो कानूनी नुकात हैं वो इतने वजनी हैं, वो इतने भारी हैं, वो इतने दुरुस्त हैं और इतने कानून और आईन के मुताबिक हैं कि वो इंशाल्लाह उनको मंजूर किया जाएगा। यही हमारी उम्मीद होती है जब हम अदालतों में पेश होते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने कौन जज है और वो कौन जज का क्या रुझान है, हम ये देखते हैं कि कानून क्या है, आईन क्या है और हम एक्सपेक्ट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो भी जज साहिबान हैं वो उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे। अगर वो फैसला कानून और आईन के मुताबिक नहीं होता तो फिर आपने देखा था सिंबल केस के साथ क्या हुआ, सारी दुनिया ने तनकीद की, ना सिर्फ आप लोगों ने तनकीद की बल्कि सारी वकला कम्युनिटी, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे पार्लियामेंट जो दुनिया के हैं, मैं बहुत सारे पार्लियामेंट्स में भी गया हूँ, सब ने उसको कंडेम किया उस जजमेंट को, तो फिर तारीख जज करती है। मगर आपने कहा कि ये इमरान खान के आप वकील हैं ना, तो इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं है काजी फाजी साहब? इमरान खान साहब एतराज़ बहुत बार कर चुके हैं और देखें जब एतराज़ होता है किसी जज साहब के खिलाफ तो फिर जज साहब की अपनी मर्जी होती है, यही कानून है कि वो उसको फिर भी उसको सुने या ना सुने। वो इतराज़ किया था और उन्होंने कहा पहले कि मैं उसको सुनूंगा, तो वो उनकी मर्जी है, यही कानून है। अच्छा जी, जब आम बंदा को रिव्यू फाइल करे, एक दिन भी डिले हो तो उठा के उसके मुंह पे मार दिया जाता है। यहाँ पे किस रिव्यू के लिए आईन में भी तब्दीली की जा रही है, आईन से वाला था लोग रिव्यू इतना क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है, ना रूल्स को फॉलो हो रहा है बेंच बनाने में, ना रिव्यू के वाले से जो कानून है उसको देखा जा रहा है, तो इतना खास ये केस किसकी वजह से बना रहा है? आपने दुरुस्त फरमाया कि एक नॉर्मल हालात में तो जब एक दिन का भी डिले हो और आपने ताखीर से रिव्यू फाइल किया हो तो कोर्ट जो है वो कुछ बात और नहीं सुनता, वो उसको रिव्यू को डिसमिस कर देता है और पूछता है कि आप, वो पूछता ये है कि आपकी एक दिन का एक्सप्लेन करें कि आपने डिले क्यों किया। तो यहाँ डिले है और मेरा ख्याल है कि नहीं, उसको हम ऑब्जेक्शन हमने रेज की है, उसको नोट किया था जज साहब ने आज, वो भी कल ऑब्जेक्शन लेंगे। उसके अलावा आपने ये आज देखा कि एक बहुत जो बहस हो रही थी वो बिल्कुल वन साइडेड बहस थी क्योंकि जो ऑथर जज थे जिन्होंने लिखी थी जजमेंट और जिन्होंने मेजॉरिटी जजेस जो तीन थे उनमें से दो तो रिटायर कर चुके हैं और एक जज साहब जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं थे बेंच पे, तो एक तरह से उस जजमेंट के खिलाफ उसको डिफेंड करने के लिए कोई भी जज नहीं था जो आके एक्सप्लेन कर सकता कि मेरा ये कहने का ये मकसद था, मेरा ये लिखने का ये मकसद था। जी मुझे आपकी आवाज़ नहीं है। जी ठीक है, देखें वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो फैसले हैं
उन पे आप तनकीद कर सकते हैं, मैंने सुन रहा हूँ तनकीद ये जो इस फैसले पे है, लेकिन मेरी नज़र में वो फैसला एक आइन की शिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ रह जाए तो उसको पुर करने के लिए अदालत के पास ये इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो आइन उसको देता है, तो वही इख्तियार इस्तेमाल किया है अदालत ने इस केस में, और उस पर आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो आपकी राइट है, लेकिन बहरहाल जजमेंट अभी है और जब तक ये जजमेंट है कायम उसको इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहा और ये भी आइन की एक तरह से खिलाफ वर्जी है।